हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुशीम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और देखो इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कलियों से भी ये भर रही है। बहुत हेल्दी प्लांट है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, चाहे वो आउटडोर प्लांट हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, हाइबिस्कस हो, मोगरा हो, अपराजिता हो, कोई भी प्लांट हो, इस पर अगर आप सही फर्टिलाइज़र का यूज़ करो, सही टाइम पे उसको सही खाना दो, सही धूप, सही पानी आप देते हो, आपके प्लांट पे फ्लावरिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। तो समय समय पे हमको जो फर्टिलाइज़र है उसको चेंज करके हमको प्लांट पे देना पड़ता है, क्योंकि प्लांट तो नहीं कह सकते कि मुझे ये कमी है, तो हमको उसको समझ के देना है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खाद बताऊँगी, अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊँगी, जो कि हम अपने घर पर ये जो गोलियाँ है इसको, जैसे कि ये है मल्टीविटामिन्स की गोली, इसको हम खाने के बाद जब ये एक्सपायर हो जाती है तो बहुत सारी गोलियां रह जाती है और हम इसको फेंक देते हैं। तो आज मैं इसी को ही यूज करना बताऊंगी। दो तीन तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्लांटों पे, कैसे कर सकते हो इसको आपको जानना है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज फुल वॉच कीजिए। तो चलो आज की वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आपकी प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करो। ये मैंने आधा ग्लास पानी ले लिया है। यहाँ मैंने दो केले के छिलके मैंने बोल पे भिगो के रख दिया था लगभग 2-3 घंटे पहले। देखो ये अपनी स्टार्च जो है छोड़ रही है और कलर भी चेंज हो गई है पानी की। तो इसको आपको क्या करना है, इस आधा ग्लास पानी में आपको एक मल्टीविटामिन की टेबलेट इस तरीके से ले लेनी है। ठीक है, लेने के 10 मिनट बाद आप इस पानी से आपको ये जो टैबलेट है उसको उठा लेना है। तो 10 मिनट बाद आपसे मिलती हो। तो फ्रेंड्स देखो, 10 मिनट बाद ये जो गोली है थोड़ी सी जब घुल जाती है, आपको इस तरीके से आप इसको उठा के अलग से रख देनी है आप दूसरी यूज़ के लिए। ठीक है, इस पानी में आपको आधा ग्लास इसको मिला लेनी है। ये मल्टीविटामिन्स के साथ आपने पोटेशियम और नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी मिला लिया है, तो एक बेहतर खाद बन चुकी है। जिस प्लांट पे भी ये फ्लावरिंग नहीं कर रही है, आप उस पर लगभग हफ्ते में एक बार इस पानी का इस्तेमाल करो, जिससे आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होंगे और आपके प्लांट पे फ्लावरिंग भी ख़त्म नहीं होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको आपके प्लांट पे इस तरीके से डाल देनी है। दो प्लांटों पे आप यूज़ कर सकते हो, आधा आधा करके दो प्लांटों पे आप इसको डाल दो। इतना मैंने इस क्वांटिटी आप दो प्लांट पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो ज़्यादा प्लांटों के लिए, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी लो। आप 2 ग्लास पानी में 2 टेबलेट मिलाओ, उसके बाद 10 मिनट बाद उसको उठाओ। 2 केले के छिलके मैंने लिया है, आप 4 लो, उसको मिला के आप 4-5 प्लांट पे दे सकते हो। तो इस तरीके गया पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, ये जो बच जाती है, ये जो गोली बच जाती है, आपने जितने भी इंडोर प्लांट आपके घर के अंदर लगा रखी है उनमें हम खली का पानी वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि एक बहुत ही जो बैड स्मेल वो आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप या तो इस गोली को इस तरीके से मिट्टी पर दबा दो, ये दूसरा तरीका है। आप इसको मिट्टी पर दबा दो, मिट्टी पर दबाने के बाद जब आप पानी दोगे ये धीरे धीरे गलती रहेगी और आपके प्लांट को न्यूट्रिशन पहुंचाते रहेगी। ये गया दूसरा तरीका। ठीक है, तीसरा जो तरीका है फ्रेंड्स, तीसरे तरीके में आपको क्या करना है, ये जो गोली मैंने लिया है इसको आप इस तरीके से हमाम दिस्ते में ले लो। उसके बाद मैंने इस पर कैल्शियम की गोली भी पीसी थी, अभी मल्टीविटामिन इस पर कूट रही हूँ। इस तरीके से आप इसको एकदम पाउडर फॉर्म में आप इसको बना लो। देखो एकदम पाउडर बन चुकी है इस तरीके से। आप इसकी पाउडर को आप क्या करो, ये मेरी नींबू का पौधा है जिसको मैंने पूरी तरीके से प्रून कर चुकी हूं, तो आप इसको इस तरीके से कुछ नहीं करना है, मिट्टी पे मिला दो। थोड़ी थोड़ी पानी जब दोगे ये अपने आप ही गल के आपके प्लांट को देखो न्यूट्रिशन पहुंचाएगी। इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। जो चौथा तरीका है फ्रेंड्स, ये स्प्रे।
हमारे घर के अंदर की जितने भी जो इंडोर प्लांट लगा हुआ होता है, मनी प्लांट को, स्नेक प्लांट कहो, एग्लोनिमा को, कुछ भी कहो, जिनकी पत्तियों पे क्या होता है, धूल जम जाती है और पत्तियां थोड़ी सी इस तरीके से, मेरी तरीके से इस तरीके, देखो ये जो पत्ती थोड़ी सी जलने लगी है, इस तरीके से होने लगी है। तो पत्तियों को एकदम अच्छी ग्लॉसी बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी में एक टैबलेट आपको ले लेनी है। कुछ देर बाद उसको उठा के आप एक स्पेयर बोतल में भर दो, उसके बाद जिससे कि आपकी प्लांट की पत्तियां भी एकदम साफ हो जाएगी और इसकी फोलिएज से होके प्लांट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाएगी। इस तरीके से आप अपनी पूरी प्लांट की सफाई भी हो जाएगी और प्लांट पे खाना भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे रहिए, खुश रहिए और चारों तरफ ग्रीन बनाइए। थैंक यू।